गधे का सर है वो 80 चांदी के टुकड़ों में बिकने लगा। और ये तो छोड़ दीजिए, गधे का सर जो है वो 80 यानी गधे का सर खाने पर मजबूर हो गए, अशुद्ध चीज। और इसके साथ क्या है, कबूतर की बीट जो है प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य में 7 खंडों में से हैं, तीसरे खंड के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहर बंद पुस्तक के बारे में। पिछले संदेश में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 6 पद तक हमने बहुत कुछ सीखा था। खासतौर से न्याय के विषय में भी हमने बातचीत करी थी और तराजू के विषय में बातचीत करी थी। जब न्याय की बात आती है तो तराजू के विषय में हमने बात करी थी कि तराजू किन बातों को जो है वो प्रकट करता है। आज भी हम जो है तीसरी मोहर के बारे में सीखेंगे। तीसरी मोहर यानी यूहन्ना जो है वो काले घोड़े को और उसके सवार को देखता है। काला घोड़ा और उसका सवार जो है वो क्या है, इसकी सच्चाई को हम जानेंगे। पहले हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 6 पद तक। यहां लिखा हुआ है कि जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का शेर भर गेहूं और दिनार का 3 शेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे प्रभु की जो है आशीष हो। यहां पर जो है तीसरा प्राणी की बात करते हैं कि तीसरा प्राणी जो है, जो ये स्वर्गीय, ये 4 प्राणियों की बात है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय के 6 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे तो वहां जो है इन 4 प्राणियों का वर्णन जो है हम पिछले संदेशों में कर चुके हैं, आपने सुना है कि क्या है। परंतु ये जो तीसरा प्राणी है जो जिसका मुंह मनुष्य जैसा है, तो वो जो है उनके उन चारों प्राणियों के बीच में से यूहन्ना एक आवाज को सुनता है। अब वो आवाज क्या सुनता है, वो आवाज को सुनता है दिनार का शेर भर गेहूं, दिनार की 3 शेर जौ। अब यहां पर जो है दिनार के बारे में जब आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो दिनार जो है पुराने समय में एक दिन की मजदूरी जो है वो हुआ करती थी। यानी किसी मजदूर को अगर काम पे लगाया जाता था, दिहाड़ी जो थी, आज के समय में जो भाषा है दिहाड़ी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, दिहाड़ी जो है वो एक दिन की जो है वो एक दिनार पुराने समय में हुआ करती थी। दिनार जो है, दिनार के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हुआ करती। परंतु यदि आज हम एक दिन की मजदूरी देखें तो जो सरकारी रेट के अनुसार अगर हम चलें तो सरकारी रेट के अनुसार जो है वो एक दिन की मजदूरी जो है लगभग 368 रुपीस है, एक दिन की मजदूरी जो है। अब यहां पर जब हम एक शेर की बात करते हैं तो भारतीय वजन के अनुसार जो है, भारतीय माप के अनुसार जो है, उसके हिसाब से जो है लगभग 933 ग्राम के बराबर होता है एक शेर। अर्थात ये महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 368 रुपीस के अंदर जो है एक किलो गेहूं भी आपको नहीं मिलेगा, एक किलो गेहूं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ कितना मिलेगा, 933 ग्राम्स जो है वो गेहूं आपको मिलेगा। सोचिए कितनी महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, परमेश्वर का वचन जो कह रहा है। अब आज का जो सरकारी रेट जो है, अगर हम देखें गेहूं का जो सरकारी रेट है, भारतीय हिसाब से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो नेचुरली बात है कि हमें भारतीय हिसाब से ही बात करनी चाहिए। 31 जनवरी 2024 में गेहूं का मूल जो है, औसत मंडी मूल जो है 21.60 रुपए जो है एक किलो का, और न्यूनतम मंडी मूल जो है 21.50 रुपए एक किलो का है। उच्चतम मंडी मूल जो है 21.70 रुपए जो है वो एक किलो गेहूं का मूल है। काला घोड़ा और उसके सवार के अनुसार यही गेहूं आने वाले समय में 368 रुपीस किलो का हो जाएगा। सोचिए कितनी महंगाई बढ़ जाएगी।
एक मजदूर जो है अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएगा, किस तरीके से करेगा, इतनी तो आमदनी भी नहीं होगी और इस तरीके से जो है वो बढ़ जाएगा। फिर हम बात करते हैं दिनार का तीन सिर चौक, एक दिन की मजदूरी में 2 किलो 799 ग्राम जौ मिलेगा। जी हाँ, अब भारतीय मूल को हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, भारतीय मूल के हिसाब से औसत मंडी मूल जो है लगभग 57 रुपीज 75 पैसा और न्यूनतम मंडी मूल्य जो है 49 रुपीज 50 पैसा और उच्चतम मंडी मूल्य जो है 64 रुपीज 90 पैसा जो है वो 2 किलो 799 ग्राम जौ का मूल्य जो है वो हो जाएगा। अभी जो है ये मंडी मूल्य है, परंतु आने वाले समय में जो है वो एक दिनार का जो है कितना महंगा हो जाएगा। सोचिए, जौ भी, गेहूं भी, जो अनाज है, जो मोटा अनाज है, जो अनाज है, जो खाने पीने की चीजें आज वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कितनी महंगाई जो है वो हो चुकी है। और ऐसे दिन जो है, ऐसे भयंकर दिन जो है वो आने वाले। एजेकल 7:4 पढ़ लीजिएगा। एजेकल 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर महंगाई के बारे में बहुत सा वर्णन दिया हुआ है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, तू जो है भोजन जो है वो माप माप कर खाया करना, या और समय समय पर खाया करना। पहले तो जब भूख लगी इंसान खाने लगा, जितना मिला उतना खा लिया, और लिखा है कि पानी भी नाप नाप कर पिया करना। देख लीजिए, आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, आप बड़े बड़े होटलों में चले जाइए, खाने पीने की चीजें, खाने पीने की जो चीजें पकी हुई जो चीजें वो तक जो है माप माप के मिल रही, समय समय पर। पहले तो ये था कि हाँ आपको भूख लग रही है, आप किसी भी समय खा लीजिए जब आपको भूख। आज जो है, आज देखा जाता है कि साहब दोपहर का सुबह का नाश्ता है वो समय के अनुसार होना चाहिए, और दोपहर का जो भोजन है वो समय के अनुसार होना चाहिए, शाम का जो भोजन है वो समय के अनुसार होना चाहिए, समय के अनुसार जो है वो खाया जा रहा है। और यही नहीं, घर के अंदर एक स्थिति देख लीजिए, घर के अंदर आप देखना जब स्त्रियां खाना बनाती हैं और खासतौर से वो रोटी बनाती हैं, तो वो पूछती हैं अपने परिवार के लोगों से, आप कितनी रोटी खाएंगे। बच्चों से पूछती, तुम कितनी रोटी खाओगे, कोई कहता है मैं 2 खाऊंगा, कोई कहता है मैं 3 खाऊंगा, कोई कहता है मैं 4 खाऊंगा, वो उसी हिसाब से रोटी बनाती है और उसी हिसाब से उन्हें रोटी दी जाती है। अगर उन्होंने 3 मांगी है तो 3 ही मिलेगी। अगर मान लीजिए 3 रोटी खाने के बाद एक और रोटी खाने का मन कर रहा है तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उनने रोटी बनाकर और जो है सब कुछ बंद करके रख दिया है। मगर पहले ऐसा नहीं था। सोचिए ये क्यों, क्योंकि महंगाई जो है वो इतनी बढ़ती चली जा रही। पानी, आप चले जाइए 2 लीटर की बोतल पानी की, 3 लीटर की बोतल और 0.5 लीटर की, और वो थैली की इतने रुपए की है, 20 रुपए की है, 40 रुपए की है, 10 रुपए की है, ये सब हम माप माप कर पी रहे हैं। पहले जब हमारे घर में आते थे, कोई मेहमान आता था या किसी के घर हम लोग जाते थे, पानी जो है बड़ा सा लोटा जो है ठंडा पानी का और बड़ा सा गिलास जो है वो मिलता था। आज पानी की कितनी जो है कमी इस संसार के अंदर हो रही है। और परमेश्वर का वचन एजेकल से एक बात और भी कहता है कि तू ये जो रोटी बनाना अपनी विष्ठा पर, विष्ठा का मतलब है जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो उसी को विष्ठा कहते हैं, यानी उस पर जो बनाना, वो ऐसे कल रोने लगता, कहता प्रभु मैंने तो कोई अशुद्ध चीज खाई नहीं। तो कहता ठीक है, मैं तेरी विष्ठा के बदले जो है गोबर के कंडों पर तू अपनी रोटी बनाना। ये अशुद्धता को दर्शाता है, यानी कितनी चीजों में अशुद्धता जो है, खाने पीने की चीजों में अशुद्धता पैदा हो गई है, कितने केमिकल्स मिल गए हैं, और इन्हीं वजह से खाने पीने की चीजों में जिसमें केमिकल्स पे केमिकल्स डाले जा रहे हैं, इंसान के जीवन के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, और इतनी भयंकर बीमारियां हो गई कि इंसान जो है वो अशुद्ध जो है वो अशुद्धता की श्रेणी में आ गया। और यही बात नहीं है, जब बाइबल में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप 2 राजा 6 अध्याय उसका 24 से 29 पद तक आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर 24 से 29 पद में बहुत सी भयंकर बातें जो लिखी हुई हैं कि आराम के राजा ने जब शोमरोन पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आराम के राजा ने शोमरोन पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया चारों तरफ से, एक और भयंकर बात पैदा हो गई। अब वो भयंकर बात क्या हुई कि शोमरोन के अंदर जो है वो शहर के अंदर जो है वो देश के अंदर जो है अकाल, अब इतना भयंकर अकाल पड़ गया
कि वो बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि दुश्मन की सेना है खाने पीने की चीजों को लाकर, क्योंकि वो उन्हें मारना था। अंदर जो है खाने पीने की कमी हो गई, सब कुछ खाने पीने की कमी हो गई, और इतनी कमी हो गई कि वहां पर जो है जो गधे का सर है वो 80 चांदी के टुकड़ों में बिकने लगा। बताइए, और ये तो छोड़ दीजिए, गधे का सर जो है वो 80 यानी गधे का सर खाने पर मजबूर हो गए, अशुद्ध चीज। और इसके साथ क्या है, कबूतर की बीट जो है वो कब की चौथाई भर जो है 5 चांदी के टुकड़ों में बिकने लगे। बताइए, यानी कबूतर की बीट खाने पर इंसान मजबूर हो गया। और यही नहीं, जब आप 29 पद तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि दो स्त्रियां जो हैं वो आपस में लड़ रही, राजा के पास गई कि क्या हुआ। उनने कहा कि हम लोग भूखे थे, इस स्त्री ने कहा कि आज तू अपना बच्चा पका ले, इसको पकाकर हम खा ले, फिर कल जो है तू मेरा बच्चा जो है हम अपना बच्चा पकाएंगे तब तू उनको खाना। इतनी भयंकर भूख, इतनी भयंकर स्थितियां हो गई। अब राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए कि ये हो क्या रहा है, स्त्रियां जो हैं वो अपने बच्चों को मारकर खाने लगी। और क्या है, तभी तो विलाप गीत 4 अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखा है, दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया। बताइए, मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। आज ऐसी भयंकर स्थिति जो है वो आने वाली है। हम अपने बच्चों पर क्या आज दया दिखा रहे हैं, आज रहम दिखा रहे हैं, मगर कल आने वाला समय, आने वाला समय देखिए क्या कहता है, एज़ेकियल 5 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, इसलिए तेरे बीच बच्चे अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने बच्चों का मांस खाएंगे और मैं तुझको दंड दूंगा। भयंकर बात। और फिर क्या लिखा, परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है, चलिए मैं इसको इन पदों को जरा पढ़ देना चाहता हूं। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 28 निकाल लीजिए मेरे साथ जरा, व्यवस्था विवरण जो है वो 28 अध्याय को निकाल लीजिए और हम पढ़ेंगे 53 पद इससे पढ़ेंगे और 57 पद तक जो है हम इसको पढ़ते चले जाएंगे। यहां लिखा हुआ है, तब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएंगे, और तुझमें जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो वे भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिय और अपने बचे हुए बालकों को कूर दृष्टि से देखेंगे, और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वे आप खाएगा कुछ ना देंगे, क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिनमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे उसके पास कुछ ना रहेगा, और तुझमें जो स्त्री यहां तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारापन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वे भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चे को कूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वे सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिपके खाएंगे। अब सोचिए कितनी भयंकर बात जो है परमेश्वर का वचन कह रहा है। और युद्ध जो है, युद्ध का परिणाम जो है बहुत ही भयंकर होता है। कितनी मतलब भयंकर बातें जो हैं इसके अंदर लिखी हुई हैं, जो परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। और बात जो है वो यहां पर जो है अभी खत्म नहीं होती है। अपने बेटे बेटियों को, अपने जन्माए हुए बच्चों को, जो दूध पीते बच्चों को, यानी पकाकर कैसे खा लेंगे। आप अभी सोचिए, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी असंभव वाली बात है। मगर जब संकट आता है, जब मुसीबत आती है, जब पेट में आग लगती है भूख की, तब परिणाम जो है वो सामने आते हैं कि इंसान क्या क्या खाने पर जो है वो मजबूर हो जाएगा। ये जो तीसरी मोर खुली है और ये जो काला घोड़ा और उसका सवार जो दिखाई दे रहा है, ये बहुत भयंकर स्थिति जो है इस संसार के अंदर जो है वो आने वाली है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ये स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग भी हैं, कि जब महाकलेश काल होगा,
तो कैसे मतलब इन चीजों, मगर परमेश्वर का वचन कहता है जब महाकलेश काल होगा, जब ऐसी भयंकर स्थितियां आएंगी, ऐसी भयंकर परिस्थितियां आएंगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। वो उनके परिवार के अंदर इस किस्म की बातें नहीं होंगी। मैं पढ़ देना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़कर खत्म करूंगा। यहां लिखा है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाव के दो पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समो और आधे समय तक पाली जाए। यानी शैतान, वो अजगर शैतान जब प्रलय ढाएगा इस दुनिया पर और परमेश्वर के लोगों को खास तौर से मारने की कोशिश करेगा, परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर पे आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जो तराजू धर्म के तराजू में तोले गए और पवित्र पाए गए और खरापन उनके अंदर पाया गया, उनको उकाओं के पंख मिलेंगे। वो ऐसी जगह सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे जब 3.5 साल का महाकलेश काल होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरी मोहर का वर्णन अभी खत्म नहीं हुआ है, रुकिए, अभी और भी कुछ बाकी है। जब तक ये जो सुनाया गया है इस पे मनन करिए। जब आने वाला वीडियो आपके सामने आएगा इसी तीसरी मोहर का, काले घोड़े का और उसके सवार का, कि अब और क्या होने जा रहा, अब क्या बचा है, इतनी भयंकर बात होगी, अब क्या रह गया है, बहुत कुछ रह गया है, तब तक इंतजार कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।